नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिख लो बेटा डेफिनेशन लिखो। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेटा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन which depends on but which depends on number of solute particles, but ye solute ke particles pe depend hai, but ye solute ke particle ke nature pe depend nahi hai, it depends on number of solute particle but does not depends on what beta नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, इसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल होगी उतनी ज़्यादा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो बेटा ये अपने सिलेबस में क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह के हैं, तो दिस क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑफ फोर टाइप, लिखते जाओ बेटा। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी इज ऑफ फोर टाइप्स जो अपनी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। पहला वाला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और आपको याद होगा अपन रॉड्स लॉ से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं बेटा। कैसे? पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। थोड़ा सोचो बेटा इसके बारे में, आपको याद आ रहा ये आर एल वी पी डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बेटा जब आप उसमें सोल्यूट जो डाल रहे थे अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो बेटा सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पे कम हो गए और उसके कारण आने वाला जो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो कम होगा। तो बताने का मतलब ये आरएलवीपी डिपेंड किस पे कर रही थी बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी तो मोर डिक्रीज इन द प्रेशर होगी, अगर कम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो बेटा कम डिक्रीज इन द प्रेशर्स होंगे। तो ज़्यादा डिक्रीज कम डिक्रीज ये डिपेंड किस पे कर रहा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही बेटा? इसके पार्टिकल्स पे। पार्टिकल्स थे ना जो सोल्यूट डाल रहे थे, अगर ज़्यादा पार्टिकल डाल दो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी तो इसके वैल्यू को चेंज करेगा। तो मैं बताऊँ बेटा आरएलवीपी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड किस पे करती है? सर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है दैट प्रॉपर्टी इट्सेल्फ कॉल्ड एज ए व्हाट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा इट इज ऑफ फोर टाइप में मैंने पहले लिख दिया आरएलवीपी जो एक्सप्लेनेशन में हो गया। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको देखनी है बेटा वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सुनते जाओ बड़ा मजा आएगा इसमें। और तीसरी प्रॉपर्टी देखनी बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा एक देखनी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आखिरी प्रॉपर्टी देखनी है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको ये चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़नी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर भाई पाए, ये डिनोशन है इनके। और मुझे अभी शुरू करना है क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। What is that? Elevation in boiling point. चलो लिख दो बेटा यहाँ तक। बेटा अभी हमको देखना है elevation in boiling point. It is a colligative property number 2 है, right? This is called as a what? Elevation. बेटा elevation मतलब बढ़ना. Elevation in boiling point. इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा TB से। एक्चुअल वो है क्या कैसा एवरीथिंग विल सी बाय द ग्राफिकल मेथड, हमारी एनसीईआरटी में भी उसने ग्राफ ही दिया है। ध्यान से देखो बेटा ये वाली है ना, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेट अस से मैं बोलूँ ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब यहाँ पर होगा वेपर प्रेशर भाई और यहाँ पर होगा टेम्परेचर इज इन द केल्विन, राइट? अब ग्राफ से चीज़ें समझो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो मेथड से समझो मर्जी आपकी। बेटा मेरे पास सॉल्वेंट है और आप जानते हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट भी बढ़ते रहेगी। लेट अस से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ,
ये सॉल्वेंट की वैल्यू बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही. व्हाट इज दिस बेटा? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और वो जाके यहाँ पर टच होगी. अगर आपको ये टेम्परेचर दिख रहा है ना, ये वाला, दिस इज द टेम्परेचर. देखो बेटा, एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई शुड कॉल इट एज ए, बेटा इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिनोटेड एज ए टी नॉट बी. तो आपको एक बात बता दो, व्हाट इज ए टी नॉट बी बेटा? टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. अब उस सॉल्वेंट में आप थोड़ा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दो, और डालने के बाद ऑब्वियसली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के कंपेयर में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा. आपको याद है ना, मैंने अभी भी राउट्स पढ़ा था, राउट्स लॉ में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होती है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होती है. और जैसे ही सॉल्यूट डाल दिए, अब ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम है, टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस रीचेज ए मैक्सिमम. इसे बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज. अब जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होगी. तो बेटा अब मैं बोलूँ यहाँ पे, एट दिस टेम्परेचर दिस इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो व्हाट इज ए टी बी बेटा? टी बी इज कॉल्ड एज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. अब बच्चों को डेफिनेशन बता दो, व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट. बेटा बॉइलिंग पॉइंट मतलब इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाँ बेटा, अब सॉल्वेंट हो सॉल्यूशन हो मर्जी आपकी, लेकिन जिस टेम्परेचर में उसकी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल आ जाए, वो टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट. इसलिए बोलते हैं ना बेटा, यहाँ पे अगर यहाँ पर आप वाटर की बॉइलिंग पॉइंट देखो, तो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. आप अल्टीट्यूड पे चला जाओ, मतलब बहुत ही हाई हिली एरियाज में चले जाओ, अब जाके वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ढूंढो बेटा, वो 100 नहीं होती है. वहाँ प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाती है. इंस्टेड ऑफ 100 99 लगा लो, 98 लगा लो. तो बताने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड. ये तो सॉल्वेंट था, और ये क्या है बेटा? ये है आपका सॉल्यूशन. बेटा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ए बॉइलिंग पॉइंट. बोलो इसमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है? ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है. बेटा जो ज़्यादा है उसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी बी इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इट इज इक्वल टू ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू. अब आप बोलो बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कम है. क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल दिए, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन भी क्या होगी, बढ़ गई. तो बेटा ये एक ऐसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है. जैसे कि पानी ले लो, वाटर मतलब सॉल्वेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. बेटा उसी वाटर सॉल्वेंट में आप थोड़े नमक के पार्टिकल डाल दो और डिजॉल्व कर लो, अब उसकी बॉइलिंग पॉइंट देखो, वो वाटर नहीं रहा, वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री नहीं होगी, 101 डिग्री हो जाएगी, हो सकती है 102 भी चले जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई. तो बेटा जो बढ़ गई वो थी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो इनिशियल थी वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. तो टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी. एंड व्हाट इज इट डेल्टा टी बी बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बेटा ये जो डेल्टा टी बी आपने लिखा है ना, ये डेल्टा टी बी डिपेंड किस पे करती है? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. दैट मीन्स डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू मोलैलिटी. बेटा व्हाट इज द के बी? के बी इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टेंट. व्हाट इज दैट? इट इज ए एलिवेशन कॉन्स्टेंट बेटा, राइट? के बी इज ए, दैट इज ए मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट. इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, दैट इज के बी. अब देखो डेल्टा टी बी हो गया, इट इज इक्वल टू के बी हो गया. मोलैलिटी आपको मालूम है, वेट ऑफ द सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट इन टू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम.
राइट बेटा, कुछ भी दे देगा, कुछ भी पूछेगा, सारी वैल्यू दे देगा, डेल्टा टी भी पूछेगा, डेल्टा टी भी के बी मॉलिकुलर वेट ये दे देगा, वेट ऑफ द सॉलिड पूछेगा, एनीथिंग दे कैन आस्क फ्रॉम दिस टर्म, राइट। सो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, और ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, लिख लो बेटा यहाँ तक। तो बेटा यहाँ पर है ना, आपने जो लिखा ना के बी इज ए मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। और ये जो के बी आपको दिख रहा है ना, इसकी यूनिट भी होती है बेटा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के बी? तो यूनिट ऑफ के बी आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये फॉर्मूले में, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी बी मतलब बेटा टी बी माइनस टी नॉट बी, मतलब इसकी यूनिट्स आएंगी केल्विन। बेटा मोलैलिटी का मतलब आएगा इट इज़ ए मोल पर के जी, इट इज़ ए मोल पर के जी। तो अभी मैं के बी इज इक्वल टू क्या लिखूँ बेटा? केल्विन इंटू के जी बाय मोल। मतलब व्हाट इज़ ए यूनिट ऑफ के बी? दैट इज़ ए केल्विन के जी मोल इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ द के बी। लिख दो बेटा यहाँ तक। बेटा ये क्वेश्चन उसमें से दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ वाटर, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ दिया क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर टी नॉट बी 373 केल्विन, और के बी फॉर वाटर सॉल्वेंट के हिसाब से के बी की वैल्यू देते हैं 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब यू शुड फाइंड आउट व्हाट बेटा? डेल्टा सॉरी टी बी यू हैव टू फाइंड आउट। तो बेटा यहाँ पर मैंने एग्जांपल बना दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है टी बी, तो व्हाट वी कैन से, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। और डेल्टा टी बी को कैसे लिखते हैं बेटा? टी बी माइनस टी नॉट बी के बी, और मोलैलिटी का पूरा फॉर्मूला डाल दिया। देखो व्हाट इज दैट, वेट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट वाटर है बेटा आपके पास। टी बी की वैल्यू निकालनी है, टी नॉट बी की, टी नॉट बी की वैल्यू देखो, प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू 373 दी गई है, के बी की वैल्यू वाटर की दी गई है, वेट ऑफ सोल्यूट 18, बेटा ग्लूकोज की मॉलिकुलर वेट सबको मालूम है C6H12O6 become 180, इंटू 1000 बाय व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो बेटा यहाँ वाटर है ना, 1 के जी बिकम 1000 ग्राम। सॉल्व कर लो, ये कट गया 18 by 180 1/10, 0.52/10 0.052, बेटा -373 यहाँ जाए +373 होता, +373 +0.052 मिला लो, टी बी दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ रही, 373.052 केल्विन, राइट। लिख लो बेटा, इसके बाद हम देखेंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट।